नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरा कश्मीरी गुलाब का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है बहुत बड़ी नहीं होती है और मेरा ये प्लांट बहुत ही छोटा है। इसको मैं एक महीने पहले ही लेकर आई थी और इसका जब मैंने रिपोर्ट किया तो मैंने इसके सारी पत्तियाँ वगैरह जो थी वो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि कोई भी गुलाब का प्लांट जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो जो पुराने जो लीव्स वगैरह होते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट रिपोर्ट करने पर ज़्यादातर चांसेस में शॉक में चला जाता है, तो अगर आप उसकी पत्तियाँ वगैरह हटा देंगे तो उसके जो जल्दी जल्दी से मतलब कि लीव्स वगैरह या शूट्स वगैरह आने लगता है और हल्की हल्की सी कटिंग भी कर देनी पड़ती है। और गुलाब के प्लांट में आप जितनी ज़्यादा कटिंग करते रहेंगे उतने ज़्यादा नए शूट्स निकलते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक छोटा सा जो मेरा एक शूट्स निकला हुआ उसमें भी कली आ रही है और एक फूल तो खिला हुआ है ही, और नए नए से काफ़ी शूट्स निकल रहे हैं क्योंकि ये प्लांट काफ़ी छोटा है। और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पास से दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो नए नए जो गुलाब के प्लांट में शूट्स निकल रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी छोटे साइज़ का है। दोस्तों, आप जब भी गुलाब के प्लांट की रिपोर्टिंग करें, क्योंकि जो रोज़ प्लांट के जो फूड वगैरह आते हैं मार्केट में वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो इतना महंगा सब लोग ख़रीद भी नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है इसलिए। तो दोस्तों, अगर आप घर पर ही चाहते हैं कि घर के चीज़ों से ही अपने प्लांट की देखभाल करें, क्योंकि रोज़ प्लांट जो है उसको एसिडिक सॉइल पसंद होता है और ये हैवी फीडर तो है ही, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन है और इसमें जो है फंगल वगैरह बहुत ज़्यादा लग भी जाते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादातर चांस में जो है चाय पत्ती यूज़ करती हूँ और लीव कंपोस्ट जो होता है वो भी ऐड करती हूँ, और अगर काउडंग देती हूँ तो वो थोड़ा सा पुराना होता है, सूखा पड़ा रहता है जो काफ़ी दिनों से, उसको मैं जो है सॉइल के साथ ऐड कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये ऊपर से ये मैंने डाल दिया है पहले से ही। आप अगर चाय पत्ती डालना चाहते हैं अपने चाय मतलब रोज़ के प्लांट में दोस्तों, तो आप जो भी चाय घर पर यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से किसी डब्बे में भर के रख दीजिएगा एक जगह पे करके, और उसको बहुत अच्छे से 3-4 दिन का जमा करने के बाद में धो लीजिएगा। धोने के बाद में 1-2 दिन का धूप दिखाएंगे तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। अगर आप नहीं धोएंगे तो चींटी वगैरह आ सकती है, उससे ज़्यादा इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन लग सकता है आपके जो रोज़ प्लांट के मिट्टी में। तो अगर आप धोकर सुखाने के बाद में अपने प्लांट में दे सकते हैं। ये चाय पत्ती जो मैं बता रही हूँ इसे आप जो है सॉइल मिक्सचर जब बना रहे हैं रोज़ प्लांट के लिए उसमें भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है तो आपके प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों, मार्केट में जो रोज़ के जो फूड वगैरह मिलते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, बट सब लोग वो ख़रीद नहीं पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी महंगा आता है। तो आप घर पे भी इन सब चीज़ों से जो है रोज़ प्लांट का जो अच्छे से केयर वगैरह कर सकते हैं। जितने भी मतलब घर के चीज़ें होती है, आपके जो प्लांट वगैरह है उसके लीव्स वगैरह भी जो सूख जाती है उसको भी आप जो है कंपोस्ट की तरह बना सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल फ्री में हो जाती है और इससे बहुत ही अच्छे से आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से चल जाता है। और जो ये रोज़ का प्लांट होता है इसको एसिडिक सॉइल पसंद आता है, तो अगर आप इसमें जो है अपने घर पर फिटकरी वगैरह जो आता है बहुत ही सस्ता होता है, आप 10-12 रुपए का अगर किसी भी किराने स्टोर से जो ग्रोसरी के शॉप होते हैं वहाँ से आप 10 रुपए का भी ला सकते हैं, 10 रुपए में भी आ जाता है काफ़ी सारा। अब उसको आप जो है आधा चम्मच जितना या छोटा बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा अपने सॉइल में भी दबा सकते हैं, या आप पानी में घोल के भी अपने जो है प्लांट को मंथ में एक बार दे सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों, अगर आपके पास जो विनीगर होता है वाइट विनीगर वो भी आप 1 चम्मच जितना अपने रोज़ के प्लांट में डाल सकते हैं, तो उससे भी आपके जो रोज़ प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से जो फ्लावरिंग वगैरह करेगा इससे। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फंगल का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है रोज़ प्लांट के अंदर, तो आप किसी भी तरह का जो है फंगिसाइड ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं, या सॉइल में भी हल्दी पाउडर को मिक्स कर सकते हैं, या ऊपर से भी आप हल्दी पाउडर जो है छिड़क सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह का फंगिसाइड खरीद कर देना चाहते हैं तो साफ फंगिसाइड होता है और एक ट्राइकोडर्मा जो है फंगिसाइड भी है, उसको आप
आधा चम्मच जितना 1 लीटर पानी के अंदर घोल लीजिएगा और अपने जो रोज़ प्लांट है उसको बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा सॉइल में और पूरे प्लांट में। तो अगर आपके रोज़ प्लांट में किसी भी तरह का अगर फंगस वगैरह लग रहा है तो वो नहीं लगेगा। और जो डाली सूख रही है आपके प्लांट की उसको ऊपर से काट दीजिएगा, जहाँ से मतलब कि वो ग्रीन दिख रहा है वहाँ से कट करके, और वहाँ पर आप थोड़ा सा जो है जो भी फंगीसाइड है उसको ऊपर से लगा दीजिएगा थोड़ा सा, तो वहाँ से जो स्टॉप हो जाएगा आपका जो प्लांट का सूखना रुक जाएगा और वहाँ से नए शूट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों रोज़ के प्लांट को जो है मैग्नीशियम सल्फेट भी देना पड़ता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए आप इसमें जो एप्सम सॉल्ट जो आता है वो मार्केट से आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो ये भी आप 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार अगर अपने प्लांट में स्प्रे करेंगे और सॉइल में भी डाल देंगे 1 चम्मच जितना, या वो भी आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप रोज़ प्लांट की केयर करेंगे और बनाना पील फर्टिलाइज़र भी अगर आप इसको 15 दिन में एक बार देते रहेंगे, तो दोस्तों आपका जो अगर प्लांट छोटा भी होगा रोज़ का, जैसे मेरा ये प्लांट काफ़ी छोटा है, पर फिर भी दोस्तों इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है या बहुत ही अच्छे से नए शूट्स वगैरह भी निकाल रहे हैं। टाइम टू टाइम आपको ट्रिमिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे उतना अच्छा जो है फ्लावर के नए शूट्स निकलते हैं। दोस्तों मुझे लगता है मुझे जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया है, और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर याद आए, अगर मैं बताना भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।